डेली कर सकते हैं महात्मा, क्योंकि महात्मा विदुर के नाम से है, तो महात्मा विदुर दुग्ध उत्पाद, महात्मा लिखो उद्योग का नाम, महात्मा विदुर दुग्ध उत्पाद, उद्योग करने वाली दीदी का नाम महात्मा विदुर दुग्ध उत्पाद। हर ज्यादातर यूनिट में महात्मा जी, क्योंकि हमारे यहाँ के महात्मा विदुर दुग्ध उत्पाद, आपको सहारा मिलेगा अपना सामान बेचने में, क्योंकि हम महाभारत काल की भूमि से आते हैं, उससे हमारी गुणवत्ता, हमारी सोच, जो मैंने आपको थाली का एग्जांपल दिया था, उससे फर्क पड़ेगा, सोच पे फर्क पड़ेगा, पब्लिक की सोच पे फर्क पड़ेगा कि आप महात्मा विदुर की भूमि से आते हैं और वहां का सामान बेच रहे हैं, तो आप जो भी बेचेंगे वो अच्छा बेचेंगे, सही है। तो कोशिश करिए दीदी को ये कहने की कि महात्मा विदुर के नाम से ही शुरुआत करें, महात्मा विदुर दुग्ध उत्पाद। फिर उद्योग करने वाली दीदी का नाम, कोई दिक्कत? सीएलएफ ब्लॉक। अब इसमें क्योंकि आप सीआरपी हैं और आप सीआरपी का फॉर्म भर रही हैं, सीआरपी का मतलब बताओ, बताया था मैंने। चलो उद्योग का परिचय, पहला नंबर है उद्योग का परिचय, उद्योग जो आप स्थापित करने जा रहे हो उसका परिचय, आप मतलब जिसके लिए आप ये फॉर्म भर रहे हो वो क्या करने जा रही है। जैसे आपने लिखा ऊपर उद्योग का नाम लिखा था, क्या लिखा था पढ़ के बताओ, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या करेगा वो? हाँ, तो इसमें उद्योग का परिचय में लिखेंगे कि हम डेयरी खोलने जा रहे हैं, ये इस पे लिख सकते हो अपने जरूरत के हिसाब से, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद में है दूसरा नंबर, आप एक काम करो पहले नंबर पे सिर्फ इतना लिखो उद्योग का परिचय में, दीदी दूध का काम करके डेयरी खोलना चाहती है। सर हमने तो ये लिख दिया, हम दीदी मिलकर डेयरी खोलना चाह रहे हैं। बस कोई नहीं, आप ये लिख दो, कुछ भी लिख दो, दो लाइन लिख के इसको रोको, फिर आगे बढ़ो। चलो आगे चलो, एक सुर में आवाज नहीं आ रही, बड़े बाजार में मांग स्थिति और कैसे और कहां, क्या मतलब हुआ इसका? आगे उधर बताओ उसकी लाइन का मतलब क्या हुआ, फॉर्म मुझे नहीं बनना है, वहां जाके आप लोगों को बनना है, बनना है आप लोगों को ना, तो मुझे बताओ उसके दूसरे नंबर का क्या मतलब हुआ, बाजार में मांग स्थिति और मांग है या नहीं है, दूध की मांग है बाजार में कितनी है, बहुत है ना, तो इसमें ये लिखेंगे बाजार में बहुत या जरूरत अधिक, बाजार में जरूरत है, डिमांड है, ठीक है। कौन सा तेल, इसमें मोबाइल नंबर और वो आप सीआरपी पे तो भरोगे ना, सीआरपी वाली जगह तो आप अपना ही भरोगे, कोई और भरेगा, वहाँ अपना भरो और जिसके लिए ये समझ लो कि एक दीदी से मैं बात कर रही हूँ, कोई भी हो सकती है तुम्हारे सामने, उसका नाम भरो, उसका मोबाइल नंबर भरो, आगे उसी की डिटेल भरते हुए आगे बढ़ो, सोचो ना कि हाँ मैं किसी के लिए कर रही हूँ, उसको आगे बढ़ो। सरसों का तेल आगे आपका गुड़, दो गुड़ हो गए, दो गुड़ का बिजनेस प्लान आने वाला है जी। आटा चाहिए दीदी, आप जो खड़े हो जरा, आप कहाँ से हो, शादी हो गई आपकी, आगे आटा चाहिए, चलो तो आपने आजीविका की ट्रेनिंग ले ली, क्या हो समूह में सही है, कितनी देर लगेगी, 10 मिनट, जी 10 मिनट का काम भी नहीं है ये, ऐसे फॉर्म आपको 50 भरने हैं, कितने 50 फॉर्म भरने हैं ऐसे, 22 तारीख में समीक्षा होगी, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों की जनपदवार कि आपने क्या सीखा।